गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन आंसर, जिसका क्या नेम है, जिसका नेम है संज्ञा। क्या पढ़ेंगे आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर? ओके, तो आज हम क्या पढ़ते हैं, चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन आंसर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए सभी प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प छांटिए। दिशाओं के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? दिशाओं के नाम किस संख्या के अंतर्गत आते हैं? तो दिशाओं के नाम कौन सी संख्या में आते हैं, कौन सी में आते हैं? व्यक्तिवाचक। किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? इनमें से हमको क्या देखना है कि कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? नियंत्रण, मोहन, चक्रवात, उचित। तो इसमें कौन सा शब्द नहीं है संज्ञा? उचित। कौन सा नहीं है? उचित। मीठा शब्द की भाववाचक संज्ञा है। मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है, हमने पढ़ा था ना भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक, विशेषण शब्दों से भाववाचक, क्रिया शब्दों से भाववाचक। तो ऐसे हमको क्या बताना है, मीठा शब्द की भाववाचक संज्ञा बतानी है। क्या बतानी है? मीठा शब्द की भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो क्या होगी, क्या होगी मीठा शब्द की भाववाचक संज्ञा? मिठाई। क्या होगी? मिठाई। क्या होगी? मिठाई। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से जातिवाचक संख्या है, इनमें से जातिवाचक संख्या कौन सी है? दास। कौन सी है? दास। नेक्स्ट क्या है, मन में संज्ञा है, मन में संज्ञा है भाववाचक। कौन सी है? भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों के सामने सही या गलत के निशान लगाइए। हमको इसमें से देखना है कि सही क्या और गलत कौन सा है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यक्तिवाचक संख्या सदैव व्यक्तिवाचक ही बनी रहती है। क्या है? व्यक्तिवाचक संख्या सदैव व्यक्तिवाचक की बनी रहती है। सही है या गलत है? सही है। संख्या के पांच भेद होते हैं। संख्या के कितने भेद होते हैं? संख्या के पांच भेद होते हैं, हमने पढ़े थे ना पांच भेद। तो ये भी क्या है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है, तैयारों के नाम जातिवाचक संख्या के अंतर्गत आते हैं। तैयारों के नाम जातिवाचक संख्या के अंतर्गत आते हैं। ये सही है या गलत है? ये गलत है। किसमें आते हैं तैयारों के नाम? व्यक्तिवाचक में आते हैं। तो ये क्या है, गलत है। जाति विशेष का बोध कराने वाली जातिवाचक संख्या होती है। ये क्या है? ये सही है। जाति विशेष का बोध कराने वाली कौन सी संख्या होती है? जातिवाचक होती है। दल शब्द का समूहवाचक संख्या में शामिल होता है। दल शब्द का समूहवाचक संख्या में शामिल होता है। ये क्या है? ये सही है। दल शब्द का समूहवाचक संख्या में ही क्या होता है, शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे लिखे वाक्यों के सामने कोष्टक में दिए गए शब्दों की भाववाचक संख्या बनाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उनमें की कमी नहीं है। योग्य। योग्य का क्या करना है, भाववाचक संख्या बनाना है। तो योग्य का क्या होता है भाववाचक? योग्यता। योग्यता। आज भाई भाई में क्यों हो रही है लड़ना, तो इसकी भाववाचक क्या है, लड़ाई। वे अपने से दुखी है, बुढ़ापे। बूढ़ा क्या भाववाचक क्या होता है, बुढ़ापे। वहां उसकी नहीं चली, चतुर। भाववाचक क्या होगा, चतुराई। कभी किसी की नहीं करनी चाहिए बुरा की भाववाचक, बुराई। कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लघुत्रात्मक एवं निबंधात्मक, क्या करेंगे? लघुत्रात्मक एवं निबंधात्मक क्वेश्चन। संज्ञा की उचित परिभाषा दीजिए, संज्ञा की उचित परिभाषा दीजिए। तो क्या होती है संज्ञा की परिभाषा? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव अथवा गुण के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मेज, मोहन, दिल्ली, सज्जनता आदि। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो कितने भेद पढ़े हमने संज्ञा के? हमने संज्ञा के 5 भेद पढ़े। कौन कौन से पढ़े? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। कितने भेद पढ़े? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो क्या पढ़ा था हमने जातिवाचक संज्ञा के बारे में? जिन संज्ञा पदों से एक ही प्रकार की सामान्य वस्तु या जाति का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पंखा, पुस्तक, कुर्सी, मेज आदि। नेक्स्ट क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। जिन संज्ञा पदों से किसी विशिष्ट व्यक्ति या स्थान का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, यमुना, रहीम, जयपुर आदि। ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा पदों से किसी विशिष्ट व्यक्ति या स्थान का बोध हो, किसका बोध हो? व्यक्ति या स्थान का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा पदों से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, कर्म और स्वभाव का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसको कहते हैं भाववाचक? जिन संज्ञा पदों से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, कर्म और स्वभाव का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चाल, विनम्रता, बचपन, मिठास, मुस्कान, सुंदरता, बुढ़ापा, लालिमा आदि। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। जिन संज्ञा शब्दों से ऐसे द्रव्य या पदार्थों का बोध होता है जिनसे अनेक वस्तुएं बनती हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, दूध, फल आदि। ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। नदी, दीन की तरह कुछ ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाते हैं। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम लिखिए। नमी, मीन जातिवाचक संज्ञा। चना, नाच भाववाचक संज्ञा। नत, तन जातिवाचक संज्ञा। मत, तम भाववाचक संज्ञा। तल, लत भाववाचक संज्ञा। नव, वर्ण जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित शब्द की संज्ञा के उदाहरण हिमालय, महिला, समुंदर, सतलुज, दया, भावना। तो हिमालय कौन सी संज्ञा में है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। महिला जातिवाचक संज्ञा में। समुंदर जातिवाचक संज्ञा में। सतलुज व्यक्तिवाचक संज्ञा में। दया भाववाचक में। और भावना भाववाचक संज्ञा में। ओके, तो आज आपको क्या करना है? आज आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करना है। क्या करना है? इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है। ओके, क्या करोगे? अच्छे से राइट करोगे और इस चैप्टर को अच्छे से समझोगे। क्या करोगे? अच्छे से समझोगे और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे और इनको अच्छे से लर्न भी करोगे। संज्ञा के बारे में अच्छे से समझोगे, संज्ञा के प्रकार के बारे में अच्छे से समझोगे और इसके क्वेश्चन आंसर को अच्छे से लर्न करोगे। जब आप इसको समझोगे कि आपको क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से लर्न हो जाएंगे। ओके, तो इस चैप्टर को अच्छे से समझना है और इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है।
ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके थैंक यू बच्चों।